नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाने से, जहां 11वीं कक्षा के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, छात्र ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी की है। 11वीं क्लास का छात्र है, फिलहाल प्रिंसिपल और अध्यापक पर मारपीट का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि 11वीं क्लास के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर, और आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया। छात्र ने प्रिंसिपल और अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले प्रिंसिपल और अध्यापक ने उसके साथ मारपीट की थी और सोशल मीडिया पर छात्र का ये वीडियो वायरल हो गया है। इस वक्त बेहद बड़ी खबर, अपने स्कूल के आगे मजबूर हूँ। वहाँ मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली नहीं, मेंटली। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये छात्र अपने मुंह से बता रहा है इस वीडियो के जरिए कि मैं मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने अपने मम्मी पापा और साथियों को अलविदा कहा और आरोप लगाया स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक पर। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक बहल जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक छात्र जिसे माँ बाप बड़े जिम्मेदारी के साथ एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसके साथ मारपीट होती है, उसे मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, और इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जी अभिषेक, बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह ये बच्चा रोज की तरह स्कूल जाता था, लेकिन उस दिन ये स्कूल में छोटी पैंट या ऊंची पैंट, जिसको कह सकते हैं, वो डाल के चला गया, जिसके कारण अध्यापकों को ये बात गवारा नहीं हुई। और उसके दौरान अध्यापकों ने इसको बच्चों के बीच में ही बेइज्जत करना शुरू कर दिया, तो जिसको ये सहन नहीं कर पाया और इसने घर आकर अपनी जो है जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें, ये जो एक्सक्लूसिव इस बच्चे की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह वो अपना दर्द बयां कर रहा है। दर्द बयां करने के बाद वो अपना लाइफ सुसाइड वो कर रहा है और अपने दोस्तों को अलविदा कह रहा है, अपने माँ बाप को लव यू मॉम डैड कह के अपनी जीवन लीला है वो जो है समाप्त करता है। लेकिन इस समय उनके घर की बात करें, परिवारजन जो है वो काफी सदमे में है और कुछ भी कहने के लिए समर्थ है। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि स्कूल प्रशासन पर कई तरह के बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस दौरान बच्चों के साथ इस तरह की बदतमीजी करना अध्यापकों की तरफ से, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और डायरेक्टर जो है वो भी इस तरह की बदतमीजी करता है, और इस समय जो है डाबा पुलिस इलाके में जो थाना है उसने इन तीन आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें एक छात्र आत्महत्या कर रहा है और अपने प्रिंसिपल और अध्यापकों पर उन्होंने आरोप लगाया है मेंटली टॉर्चर करने का। और जिस तरीके से संवाददाता ने सारी जानकारी दी है, उसके अनुसार आपको ये भी बता दें कि इस बच्चे को काफी सारे बच्चों के बीच ऊंची पैंट पहनने के लिए टोका गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी, और जिसके बाद